वेलकम टू आवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी नाइन क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन में प्रीवियस लेक्चर डाइजेशन ऑफ फूड का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट 3 पार्ट्स में डाइजेशन को डिस्कस किया था। आज हम डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक को स्टडी करेंगे। स्टमक इज अ जे शेप डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल That is located in the left part of abdomen, just beneath the diaphragm. Elementary canal में जो J-shaped portion नजर आता है, that is called stomach. Stomach की body cavity में location की बात करें तो ये abdomen में just left side पे present होता है and that is present beneath the diaphragm. Diaphragm जो कि एक muscular sheet of muscles होती है और during breathing lungs की movement में help out करती है। तो stomach इस sheet के बिल्कुल बीनीथ यानी नीचे प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक की बात करते हैं। स्टमक हैज टू मेन पोर्शंस। नंबर 1 इज द कार्डियक पोर्शन एंड नंबर 2 इज द पाइलोरिक पोर्शन। कार्डियक एंड पाइलोरिक पोर्शन को इस स्टमक की डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व किया जाए तो हमें यहाँ जस्ट टॉप पे स्टमक के कार्डियक पोर्शन नजर आ रहा है, जबकि बीनीथ द कार्डियक पोर्शन देयर इज प्रेजेंट द पाइलोरिक पोर्शन। नेक्स्ट आर द स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स आर द ओपनिंग्स विच आर गार्डेड बाय मसल्स। There are present two sphincters or two openings. One is the cardiac sphincter, that is between stomach and esophagus. Second one is the pyloric sphincter, that is between the stomach and small intestine. इस डायग्राम में हम देखें तो हमें यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर एक ऐसी मस्कुलर ओपनिंग होती है जो कि स्टोमक को इसोफेगस के साथ कनेक्ट करती है, जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर एक ऐसी मस्कुलर ओपनिंग होती है जो कि स्टोमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक, जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया। नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे कि स्टोमक फूड की डाइजेशन में किस तरह से हेल्प आउट करता है। नंबर 1, एंट्री ऑफ फूड इनटू स्टोमक। द बोलस एंटर्स द स्टोमक फ्रॉम इसोफेगस थ्रू द कार्डियक स्फिंक्टर। बोलस ऑफ फूड इसोफेगस से स्टोमक में कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू एंटर होता है। एज वी सेड, कार्डियक स्फिंक्टर एक ऐसी मस्कुलर ओपनिंग है जो इसोफेगस को स्टोमक के साथ कनेक्ट करती है। डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक को हम यहाँ स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज गैस्ट्रिक ज्यूस इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। जैसे ही फूड एसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर होता है तो स्टमक की लाइनिंग में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है कि ये गैस्ट्रिक ज्यूस को सिक्रीट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक ज्यूस। इट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजिन। म्यूकस जो के इनसाइड द स्टमक एक प्रोटेक्टिव कवरिंग को बनाता है सो दैट स्टमक की लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन के एक्शन से बचाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड परफॉर्म टू फंक्शंस। नंबर 1, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। नंबर 2, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजिन इनटू द एक्टिव पेप्सिन। देन ये पेप्सिन एंजाइम पार्शियली डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन फंक्शन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना होता है जो फूड के साथ स्टोमक में एंटर होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेकेंड फंक्शन क्या होता है कि ये इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, और पेप्सिन ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्टोमक में प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये पेप्सिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द चर्निंग इन स्टोमक। द वॉल्स ऑफ स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दीज चर्निंग मूवमेंट्स हेल्प इन थोरो मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक ज्यूस एंड फूड। स्टोमक की वॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने से केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड के साथ साथ स्टोमक मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है। स्टोमक की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से कुछ मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं जिसे चर्निंग एक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस फूड में थोरोली मिक्स हो जाता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। नंबर 2, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट विच हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट्स ऑफ द फूड। इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टोमक में हीट भी जनरेट होता है और ये हीट फूड में मौजूद लिपिड्स को मेल्ट करने के काम आती है। देन आफ्टर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन्स फूड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइन।
फूड में मौजूद स्टार्च और प्रोटीन्स जब पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं तो एक सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस सूप लाइक मिक्सचर को बोलते हैं काइम। आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज अ लिटिल मास ऑफ काइम टू एंटर द ड्यूडेनम। फूड जब एक सूप लाइक स्ट्रक्चर मींस काइम में कन्वर्ट हो जाती है, देन पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि एक मस्कुलर ओपनिंग है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान, इसके थ्रू काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। सो आज के टॉपिक में हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के साथ साथ फंक्शन ऑफ स्टमक को स्टडी किया और देखा कि किस तरह से स्टमक फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में किस तरह से रोल प्ले करती है। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।